ओ भाई ये देखो क्या हाल हुआ पड़ा है। ये भाई ओवरलोडिंग की वजह से होता है ये चीज़ें। पूरा व्हील जो है वो टूट गया इसका। मैं सोच रहा था कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर दूं, और नाम चेंज करके मैं रखने वाला हूँ वेनम राइडर। आप लोग बताना कि नाम कैसा है वेनम राइडर, कमेंट करके बताना कि अगर अच्छा है तो मैं नाम चेंज करता हूँ, वरना फिर कुछ और सोच के रखते हैं। मीन्स ओहो भाई अभी ड्रैग करोगे? ड्रैग करोगे? ड्रैग? हाँ। ओ माय गॉड। बंदे डोमिनार से ड्रैग करने के लिए बोल रहे हैं अपनी जी। भाई ये जेड एक्स ट्रेनर की छोटी बहन है। अरे भाई आगे से लुक चेक करो इसकी। ओ माय ओ ये तो भाई पूरी जी 900 लग रही है। कहाँ से ली थी आपने? ओ माय गॉड। तो भाई तुम्हारे भाई ने भी राइडिंग ग्लव्स मंगा लिए, मैंने कहा था ऑर्डर करें, आ रहे हैं। और भाई ये स्टील बड्स के हैं और काफ़ी बढ़िया हैं कलर इनका। भाई मैंने सोचा था जैकेट से मिलता जुलता होगा, पर जैकेट से काफ़ी अलग है कलर। ये ग्रीन जो जैकेट का कलर है वो नियोन है, लेकिन ये जो 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 इन ग्लव्स पे है भाई वो ग्रीन कलर है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। भाई मैं और डेविल भाई हैं, आगे हमको मिलने वाले अनुज भाई। ओ भाई उनका कॉल आया था, भाई कह रहे थे मैं अपनी बाइक वॉश करा रहा हूँ। जब तक हमने कहा आप वॉश कराओ, हम जब तक आते हैं। भाई थोड़ा सा FZ में भी काम कराना है। उसकी जो टेल थी वो टूट गई, तो नंबर प्लेट थी वो टेल में लगी होती तो वो निकल गई, तो उसकी नंबर प्लेट फिक्स करानी है सबसे पहले तो पीछे, उसके बाद आगे कहीं निकलते हैं। तो भाई तुम्हारे भाई ने भी राइडिंग ग्लव्स मंगा लिए, मैंने कहा था ऑर्डर करें, आ रहे हैं। और भाई ये स्टील बड्स के हैं और काफ़ी बढ़िया हैं कलर इनका। भाई मैंने सोचा था जैकेट से मिलता जुलता होगा, पर जैकेट से काफ़ी अलग है कलर। ये ग्रीन जो जैकेट का कलर है वो नियोन है, लेकिन ये जो 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 इन ग्लव्स पे है भाई वो ग्रीन कलर है। भाई अभी जो मैंने पहना है तो फिटिंग भी काफ़ी बढ़िया आई है इनकी। तो गाइज यहाँ लगवाएंगे नंबर प्लेट अपने। तो गाइज नंबर प्लेट जो वो लग चुकी है FZ में, और अब जा रहे हैं हम आगे राइड के लिए। भाई निखिल भाई जा रहे हैं सिर्फ रिलायंस तक हमारे साथ, उसके बाद वो वापस लौट आएंगे। यार ये वाला ग्लव्स थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। भाई निखिल भाई ने अपने बाइक के पीछे वाले मडगार्ड में भाई एग्जॉर का स्टिकर लगवा लिया। भाई चेकिंग देख रहे हो, ताबड़तोड़ चेकिंग चल रही है गाइस। भाई कार्स में बहुत खतरनाक वाली चेकिंग चल रही है। जिन भाइयों की बाइक में एग्जॉस्ट लगे हुए हैं उनकी बाइक जो है वो सीज कर दी थी कुछ दिन पहले। ओ भाई ये देखो क्या हाल हुआ पड़ा है। ये भाई ओवरलोडिंग की वजह से होता है ये चीज़ें। पूरा व्हील जो है वो टूट गया इसका। जो पता है लोग ओवरलोड करना चाहते हैं चीज़ों को, तो ओवरलोड करोगे तो यही होगा भाई। जो ट्रॉली का जो पीछे वाला व्हील था उसका जो एक्सल था वो पूरा टूट गया भाई। बढ़िया लग रही है भाई? निखिल भाई कह रहे हैं हमारी जैकेट बढ़िया लग रही है। अब राइडर लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ भाई? FZ में होना फ्यूल अप। भाई अनुज भाई अपनी चेन को लीव करा रहे थे, तो लग याद मैंने भी अपनी चेन लीव करा ली। तो भाई यहाँ से निखिल भाई जा रहे हैं घर और हम लोग जा रहे हैं राइड पे। भाई आए थे सिर्फ खाली फ्यूल लगाने के लिए, तो अब निकलते हैं हम। ड्रैग करोगे? ड्रैग करोगे? ड्रैग? हाँ। ओह माय गॉड। बंदे डोमिनार से ड्रैग करने के लिए बोल रहे हैं अपनी जी। भाई ये जेड एक्स ट्रेनर की छोटी बहन है। अरे भाई आगे से लुक चेक करो इसकी। ओह माय ये तो भाई पूरी जी 900 लग रही है। कहाँ से ली थी आपने? ओह माई गॉड। भाई यहाँ पे लाइट्स वगैरह लग रही हैं और यहाँ पे लिखा जा रहा है आई लव कासगंज शायद से। अभी सिर्फ कासगंज कासगंज लिखा हुआ है। आई लव कब तक ऐड होता है ये देखते हैं, क्या पता ऐड हो ना हो। ओह माई गॉड।
बंद हो जाती है भाई ये वाली। सो गाइस इधर एक रोड बनी हुई है, ये इधर जो जा रही है ये मेरेची के लिए जा रही है, और इस रोड पे मैं हम लोग एक दिन गए थे भाई, एकदम मस्त रोड बन रखी है ये वाली। अभी आपको लेके चलते हैं इस वाली रोड पर, और ये जाता है भाई सिकंदराव की तरफ, और यहाँ से ये कट लग के जाती है रोड मेरेची की तरफ। और भाई ये रोड क्या बनी हुई है यार, शायद ही ऐसा रोड पूरे कासज में कहीं बना हो। मेन ओहो भाई अभी भाई भाई स्किट हो गई अनिल भाई। मैं कह रहा हूँ ठीक है तुम कम चलाना जानते हो कोई बात नहीं, लेकिन आराम से चलो ना। अनुज भाई ले वगैरह पहले से जा चुके हैं भाई, सामने देखो पैसे लेके आ रहे हैं भाई, और खुली हुई है एकदम। ओ भाई भागती है ना तो डर लगता है यार। भाई पूरी रोड ऐसी बनी हुई है एकदम, एक सिंगल जगह भी आपको ये नहीं लगेगा कि भाई की आपकी बात थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुई है, बिल्कुल एक ही फ्रेम में बनी हुई है भाई। और इतनी मस्त रोड है ना ऐसी ही आगे भाई, इस रोड पे एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि अभी हम मेन रोड से आ रहे हैं, मेन रोड पे थोड़ी गर्म गर्म हवा चल रही थी, लेकिन यहाँ पे साइड से इतने ज्यादा पेड़ है ना तो हवा जो है वो ठंडी ठंडी आ रही है। थोड़ी सी आगे जाके रोड थोड़ा सा खराब मिलेगा, थोड़ी बहुत जगह पे रोड जो है प्रॉपर बन नहीं पाया, तो थोड़ी सी जगह पे थोड़ा सा गिट्टियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं भाई। इस रोड पे मैं लेके आया हूँ बाइक, आज फिर लेके आया हूँ, कुछ दिन पहले और लेके आया था। बाइक आपकी बिल्कुल भी बॉबल नहीं कर सकती इस रोड पर, जैसे कि एक छोटा सा पैच ही है यहाँ पे रोड नहीं बना हुआ है, और ये थोड़ी सी आगे तक चलेगा, फिर आगे से रोड आगे रोड वैसे ही सेम आ जाएगा। भाई पता नहीं कौन से गियर में बाइक चला रहा हूँ, चौथे गियर में बाइक चला रहा हूँ, सही कह रहे हो भाई। इतना रोड खराब है ना, ये रोड पूरे रोड की ऐसी तैसी कर रहा है बस, इतने रोड से आदमी कहेगा यार उधर का रोड तो बहुत गंदा है, क्योंकि इस पर गिट्टियाँ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं भाई। गांव साइड में कीड़े थोड़े ज़्यादा लगते हैं चेहरे पे यार, अब कीड़े लगने लगे हैं, और आपको बताइए ब्लैक वाइजर में इस टाइम अगर मैं वाइजर नीचे करूँगा ना तो और ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा भाई। एग्जॉस्ट लगा होता बाइक में तो अलग ही रिएक्शन मिलते, लेकिन अभी तो सारा मामला स्टॉक पड़ा है। ये देखो भाई रोड पे भाग रही है, ये कभी भी इधर हो गई तो पीछे वाले इंसान का तो टोटल लॉस हो जाएगा भाई। यहाँ से आगे जाके हमको लेफ्ट लेना है, और फिर वो हम पहुँच जाएंगे मेरेची के अंदर। वहाँ से मेरेची है 5 किलोमीटर दूर, कासगंज है 15 किलोमीटर दूर, और एटा है 25 किलोमीटर दूर। तो हमें जाना है मेरेची, फिर मेरेची से जाना है कासगंज। इधर देखो भाई इधर पेड़ की वजह से अभी आपको और अंधेरा देखने को मिलेगा अंदर, देख रहे हो दोनों साइड से पेड़ है इसमें। ये काली नदी है जो कासगंज से आ रही है वही है। ये वाला ग्लव्स तो एकदम सही आ रहा है, लेकिन भाई ये वाला ग्लव्स जो है वो हल्का सा मेरे को परेशान कर रहा है भाई। इस जगह पे भाई सारे ब्रिज सेम लगेंगे आपको, आप इससे आगे वाले भी खड़े होगे तो वो भी सेम ही लगेगा, नदरे पे खड़े होगे तो वैसा भी सेम लगेगा। तो गाइस अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग भाई, अंधेरा तो काफ़ी हो गया, और इधर पेड़ वगैरह हैं इस रोड पे तो और ज़्यादा अंधेरा लगेगा अंदर। मैं सोच रहा था कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर दूँ, और नाम चेंज करके मैं रखने वाला हूँ वेनम राइडर। आप लोग बताना कि नाम कैसा है वेनम राइडर, कमेंट करके बताना कि अगर अच्छा है तो मैं नाम चेंज करता हूँ, वरना फिर कुछ और सोच के रखते हैं। भाई राइडर वाले भाई ने रेस लगा ली है यार, ऐसा क्यों है कि हम किसी के बराबर में बाइक चलाने लगे तो उसको ये क्यों लगने लगता है कि हम लोग रेस लगा रहे हैं। बूस्ट हो जाता है बंदा, देखा
हाँ राइडर वाला, हाँ वो इसी की तो कह रहा हूँ। तो गाइस चाय आ चुकी है अपनी, भाई चाय पिला दो ना, मोड़ के चाहिए तो गाइस चाय वगैरह पी लिए और अब निकलते घर और वीडियो करते यहीं एंड, और मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में।